फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोहान और आज मैं आपको हेयर ट्रायल अपने घर पर ही रिपेयर करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं सिखाऊंगा आपको हेयर ट्रायल अपने घर पर रिपेयर करना। तो आइए, सबसे पहले हम लेंगे हेयर ट्रायल और उसे हम अपने पैकिंग में से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने पैकिंग में से बाहर निकाल ली है और अब हम इसे ऐसे खोल लेते हैं। और ये आपकी अगर रिपेयर करनी है आपको, तो सबसे पहले हम लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर और आपने स्क्रू को खोल ले लिया। हम दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। हम दोनों स्क्रू को खोल लिया है और हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले है हमारा स्विच। सबसे पहले हमारा स्विच ख़राब होता है। अगर आपका स्विच ख़राब है तो आप टेस्टर से चेक करके देख सकते हैं कि स्विच ख़राब है कि सही है। अब फिर बात आती है, इसे अलग रखते हैं निकाल के। फिर हम लेंगे, फिर इसकी बात आती है इसकी मोटर की। तो दोस्तों, इसकी मोटर है जिसके मोटर के डाइवोर्ट ख़राब हो जाते हैं और आपको इसके डाइवोर्ट भी बदल लेने हैं टेस्टर की हेल्प से। फिर दोस्तों, इसकी मोटर होती है जिसकी मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसकी मोटर आपको किसी भी होलसेल शॉप पर मिल सकती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आती है इसके एलिमेंट की बारी। अगर ज़्यादा लाइट हो जाए तो आपका यह एलिमेंट फूक सकता है, तो यह किसी भी होलसेल शॉप पर मिल जाएगा, तो आप ऐसे करके लगा लेना है। देखिए दोस्तों, इस आकार का होता है और इसे अगर आपने सही कर लिया है तो आप इसे दोबारा ऐसे ही अंदर डाल देना है। इसे हमने अंदर डाल दिया है दोस्तों। हम इसे ढक कर लेते हैं और यह हमें बंद कर लेना है। हमें ऐसा बंद कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे ये वाला हिस्सा और यहाँ पर हमें इसे लगा देना है दोस्तों। इसे बहुत आराम से लगाना है। यहाँ पर आपकी वायर भी है। हमने इसे यहाँ पर लगा दिया है और हम ले लेंगे स्विच। उस स्विच को यहाँ पर लगा देते हैं, बोल लेंगे हम यह वायर और इसमें फाड़ देते हैं जिससे आपकी वायर खींचे नहीं। और हम लेंगे ये जो आपका कट मारता है। और फ्रेंड्स, हम यह लेंगे ऊपर का ढक्कन और इसे यहाँ पर बंद कर देते हैं और हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कस देते हैं। मैं कर दिया है। दोस्तों, कर दिया है और देखिए दोस्तों, आप क्या जाओगी